शेख जूही। रुख करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर आदिवासी समाज ने आज राजधानी जयपुर में विरोध जताया। आदिवासी समाज के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अमर जवान ज्योति पर विरोध प्रदर्शन किया। भारत आदिवासी पार्टी सांसद राजकुमार रौत और विधायक रामकेश मीणा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। प्रदर्शन को देखते हुए अमर जवान ज्योति पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। पुलिस ने आदिवासी समाज के लोगों को बैरिकेड्स लगाकर शिक्षा मंत्री के सरकारी बंगले पर जाने से रोका। जयपुर में आयोजित रोजगार उत्सव में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवा पीढ़ी आने वाले समय में देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। हमारी युवा पीढ़ी जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो वादे किए थे वो धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। युवा जब 18 साल का होता है तो उसे मत देने का अधिकार मिलता है। इसके साथ कुछ कर्तव्य भी होते हैं, उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में जिले के पुनर्गठन के संबंध में एक समिति के गठन को मंजूरी दी है। एक बयान के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे ललित के पनवार की अध्यक्षता में गठित यह कमेटी नए जिलों के पुनर्गठन से संबंध में मंत्रिमंडल उप समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के मामले में 30 जून को प्रदेश भर में बड़ी संख्या में युवाओं के जुटने की संभावना जताई जा रही। आपको बता दें कि बेरोजगार संगठनों की ओर से 30 जून को सरकार के आदेश के विरोध में धरना प्रदर्शन प्रस्तावित है, लेकिन लाखों युवा में इस बात को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि क्या धरने की अनुमति मिल चुकी है या फिर अपने हक के लिए बिना अनुमति ही युवा जयपुर में हुंकार भरेंगे। शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण पर एक बार फिर से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने तेवर दिखाए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के बयान ही युवाओं के सपनों पर पानी फेरने के लिए काफी है। कांग्रेस ने बीजेपी से इसको लेकर सवाल किए, लेकिन बीजेपी जवाब देने के मूड में नजर नहीं आ रही। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे शांति धारीवाल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली है। एकल पट्टा के जिस प्रकरण में पिछले दिनों एसीबी ने सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी का जवाब देते हुए धारीवाल को क्लीन चिट दे दी थी, इसी मामले की दोबारा जांच के लिए भजनलाल सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस आर एस राठौड़ की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। हनुमानगढ़ के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन को लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती के लिए धमकी देने के मामले का खुलासा करते हुए टाउन पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। टाउन थानाधिकारी रामचंद्र ने बताया कि पुलिस ने फतेहगढ़ खैलरी बस निवासी हरीश को घटना के 24 घंटे में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसने जल्द अमीर होने के प्रयास में लॉरेंस गैंग का नाम उपयोग करते हुए अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा के नाम से चिकित्सक को फिरौती के लिए धमकी दी। शराब नीति घोटाले मामले में सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने करीब 1 मिनट तक अपना पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया। वहीं केजरीवाल की वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को 20 जून 2024 को निचली अदालत ने जमानत दी। अब सीबीआई को दिल्ली के मुख्यमंत्री की जरूरत क्यों है, वह इंतजार क्यों कर रहे थे? सीबीआई कह रही है कि उनके पास सामग्री थी, फिर पहले उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जेएम नेता हेमंत सोरेन की जमानत मिलने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, ईडी सीबीआई ने 10 साल में जितने भी राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। मैं इसका उदाहरण हूँ, अनिल देशमुख के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, केजरीवाल जी को पकड़ा है, कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आप उन्हें परेशान कर रहे हैं, हेमंत सोरेन के बारे में भी यही कहा है। इस देश की जांच एजेंसी मोदी शाह की प्राइवेट एजेंसी बन गई, हेमंत सोरेन बेकसूर थे। हरियाणा में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस फरीदाबाद की सभी सीटों को जीतने का लक्ष्य रखेगी। पार्टी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार हरियाणा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा, पार्टी का लक्ष्य सुरक्षित फरीदाबाद, सुरक्षित हरियाणा और विकसित हरियाणा स्थापित करना होगा। आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।